ये रुक नहीं रहा है, फ्री है। तो जैसा कि मैंने सुना है कि ये रिपेयर नहीं होता, लोग इसको रिप्लेस करा देते हैं, आप इसमें क्या करने वाले हैं? हम इसको रिपेयर करके दिखा सकते हैं आपको। अरे और चलेगा बजेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है मैजिशियन मोटर्स। आज हम एक लाए हैं नई और ख़ास वीडियो। चूँकि आजकल की जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं इसमें लगा होता है स्टेयरिंग रिबन, जिसका कंट्रोल एयरबैग और हॉर्न, उसको हॉर्न दबाते हैं तो हॉर्न बजता है और एयरबैग का उससे कनेक्शन होता है। क्योंकि ये व्हील होता है तो उसमें वायर लगे होते हैं, तो व्हील हम घुमाते हैं तो उसमें उसी हिसाब से वो उसको एडजस्ट करता है। तो इसमें नीचे लगा होता है तो वो अक्सर उसमें अंदर रिबन जो है उसका पत्ता जो होता है वो कट जाता है, तो नॉर्मली लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं पूरा कंट्रोल सिस्टम को। लेकिन आज हम इसको आपको दिखाएंगे कि ये रिपेयर भी हो जाता है। चलिए पहले इसको खुलवाते हैं फिर दिखाते हैं। जी हाँ, देखिए ये होता है पत्ता, इसको रिबन बोलते हैं, स्टेयरिंग रिबन। और कभी भी अगर इसको खोलना है या आप अपनी स्टेयरिंग खुलवा रहे हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा राउंड घूम जाएगा तो अंदर से टूट जाता है। इसकी एक सेटिंग होती है कि 3 times क्लॉकवाइज, 3 times एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सेंटर मैच होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ इलाहाबाद में प्रयागराज सिविल लाइंस में बैठा हूँ, बॉयज़ हाई स्कूल के सामने ईटॉन बिरयानी के पास, यहाँ आशी मोटर्स में। और हमारे साथ बहुत ही पुराने और बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही कलाकार टेक्नीशियन हैं, मिस्टर संजय इनका नाम है और ये मारुति कंपनी में इनका 17 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज हम लोग आए हैं। संजय भाई, बताइए आज क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हैं? आपके न्यू वैगन आर में हॉर्न की प्रॉब्लम है जी, और इसका जो हॉर्न कंट्रोलर होता है उसके पट्टे में डैमेज हो गए, मतलब अब अभी तो खोला नहीं, अब खुले तो इसको चेक किया जाए, अगर इसका पट्टा डैमेज होगा तो उसको रिपेयर कर सकता हूँ। और आप जैसे कि बता रहे थे कि ये टूट गया, ये टूट जाता है तो फ्री हो जाता इसको है। ऐसे ऐसे करके दिखाइए, इसका ये एंगल ऐसे करके दिखाइए, चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है जो कि घूमना नहीं चाहिए, एक जगह पे आके होल्ड होना हो जाना चाहिए, 2.5 to 3 राउंड पर इसको आकर के रुक जाना चाहिए। ये रुक नहीं रहा है, फ्री है। तो जैसा कि मैंने सुना है कि ये रिपेयर नहीं होता, लोग इसको रिप्लेस करा देते हैं, आप इसमें क्या करने वाले हैं? हम इसको रिपेयर करके दिखा सकते हैं आपको। अरे चलेगा भी? चलेगा भी। चलिए देखते हैं, इसको रिपेयर करवाते हैं और देखते हैं इनके हाथ की कला। तो जी हाँ, इसको खोला जा रहा है, इसको रिबन भी बोलते हैं, इसका वैसे नाम क्या है? क्लॉक स्प्रिंग, क्लॉक स्प्रिंग भी बोलते हैं इसे, क्लॉक एंटी क्लॉक। ये होता है रिबन। संजय भाई, इस रिबन के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि ये कैसे वर्क करता है, कहाँ से टूटा दिख रहा है? ये होती है इसके अंदर के सर्किट, जैसे कि मोबाइल में पत्ता होता है। हाँ। उसी तरह का, ठीक है। तो ये कहाँ से टूट गया है, ये कहाँ से बिगड़ा है, कुछ बताएंगे इस बारे में? आइए आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और क्या इसका मैकेनिज्म होता है अंदर से, इसको भी आपको जानकारी देते हैं। अब ये आपका इस एंगल से टूटा हुआ है, ये देख सकते हैं आप कि ये यहाँ से जो कनेक्टेड होता है, यहाँ से ये टूट गया, ये पत्ता जिसको चिप बोलते हैं, जो इसमें यहाँ आके कनेक्ट होता है, तो यही घूमता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ज़्यादा घूम गया जिसकी वजह से ये टूट गया। तो अब इसको देखिए, ये बनाएंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे फिर से ज़िंदा होगा, कैसे वर्क करेगा। ये इसमें फोल्ड रहता है। और करीब से दिखाइए, इसमें इसमें यहाँ पे सोल्डिंग रहती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसको हम पट्टा लग करके फोल्ड करके इसको कंप्लीट करके बांध देंगे, फिर से ज़िंदा हो जाएगा ये। ये भी देखिए, एक बड़ी नायाब चीज़ है, लेकिन लोग डरते हैं कि ये एक बार टूट गया तो बनेगा नहीं, लेकिन देखिए आपको निगाहों के सामने अभी इसको फिर से देखिए सोल्ड किया जाता है। इस पत्ते को पहले जो है छील लिया गया, देख सकते हैं इसको सेम से कि इससे पॉइंट निकला हुआ था, तो ऐसे रख के अब इसे सफाई हो गई। अच्छा, इसकी सोल्डिंग की क्या? आयरन
नहीं, सोल्डिंग की इसकी क्या पायदारी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, कितना चलेगी, ऐसा तो नहीं कि छोड़ देगी? नहीं। तो जैसा कि हुआ बना रहता है कि अंदर का पत्ता कट गया, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसको आप रिपेयर कर सकते हैं या करवा सकते हैं? देखिए, बिना जीवन में रिक्स उठाए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज के लोग, आज की जनरेशन पेन नहीं लेना चाहती है, फौरन पैसा फेंक के तमाशा देखना चाहती है। तो जिनके पास भाई ढेर सारा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और बहुत से होते हैं वो तो चाहते हैं कि कम पैसे में बढ़िया चीज़ हो जाए मेरा और गाड़ी में मज़ा दे। अभी आपका पट्टा लग गया है, अब इसको आयरन से सोल्डिंग करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, सोल्डिंग दिखाइए। सोल्डिंग के लिए भेजना पड़ेगा। अरे पापा, चेक करिए। ये ऊपर की ये डिस्टर्ब कर रही थी। हाँ, ये डैमेज हो गई थी तो इसको हटाना पड़ा। अच्छा, ये सपोर्टिंग में इसका कोई रोल, कोई मेन रोल नहीं होता वहाँ चिपका थी। जैसा कि बताया था, इसमें सोल्डिंग हो के इसको आपने पैक कर दिया है। कितना टाइम लगा होगा इसको आपको पैक करने में? आधा घंटा से पौन घंटा मान लीजिए, पूरा प्रोसेस में आधा घंटा, आधा घंटे में। तो अब क्या करने वाले हैं? इसको आपने पैक कर दिया है, पैक कर दिया, आप लगा के चेक हो जाएगा। पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये पहले फ्री घूमता था, ये ऐसे करके आप दिखाइए, ये अभी तक फ्री घूम रहा था तो ये एक एंगल पे आ करके रुक जाता है। और करीब से दिखाइए, ये रुक गया यहाँ पे, देखिए। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ रुक गया है। ठीक है, अब एंटी क्लॉक घुमाएंगे, देखते रहिएगा। ये 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 आके रुक गया। ठीक है, इट मीन्स ये पत्ता फिर से और गया। अगर आपका पत्ता ज़्यादा डैमेज हो गया हो तो आप मार्केट से उसको लेके दूसरा लगा भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। आप इसी पर निर्भर नहीं रहिए, आप दूसरा भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको आप गाड़ी में लगा के दिखाइए। अब ये लगा दिया हूँ, एक राउंड ऐसे नचा के देखेंगे, एक दो एक तीन, ठीक है। अब इसको क्लास वाइज नचाएंगे, एक दो तीन। अब इसको ला करके एक दो एक तीन भाई, इसी पे हम ला करके इसको फिट कर देंगे। यहाँ देखिए, अब ये हॉर्न सक्सेसफुल रहा और बज रहा है हर तरफ से। सो फ्रेंड्स, देखिए प्लान सक्सेसफुल रहा। ये देखिए हॉर्न बज रहा है हर तरफ से और ये कामयाबी मिली। तो आप भी इस फॉर्मूले को अपना सकते हैं, इसको रिपेयर कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। So friends, thank you so much for watching this video, and please don't forget to like, share and subscribe this video. Thank you.